तो ये है मेरा बेडरूम, बेडरूम का जो भी चेंजेस है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे बड़ा चेंज है वो है कर्टेंस चेंज करना। हमेशा से ही हुआ है कि अगर आप अपने रूम में कर्टेंस चेंज कर देते हो तो रूम का लुक डिफरेंट हो जाता है, तो वो ही मैंने ट्राई किया है। और स्काई ब्लू और व्हाइट मेरा बेसिक शेड था तो वही मैंने रखा है उसको। बेडशीट्स भी नई लाई हूँ, सारी चीजें अमेजोन का ही शॉपिंग है। और उसके अलावा जो दूसरा है वो है हमारे मेन बेड का गद्दा, मीन्स मैट्रेस मैंने नया लिया है, वो भी अमेजोन से ही लिया है। ब्रांड है ड्यूरोफ्लेक्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। हमारे पास पुराना ही गद्दा था, वही हम इतने टाइम से यूज कर रहे थे, बट मैट्रेस की मुझे रिक्वायरमेंट थी खास करके मेरे बैक पेन के लिए, तो इसलिए हमने बैक मैजिक वाला ड्यूरोफ्लेक्स का नया मैट्रेस लिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पूजा अजनी ऑफ अ होममेकर। हैप्पी दिवाली टू ऑल माय व्यूअर्स एंड ऑल माय फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स ओवर देयर। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। दिवाली आ गई है जिसका हमें बहुत ही ज्यादा इंतजार था, हर साल होता है बट ये साल कुछ ज्यादा ही था। ये अगर रौनक हम ना करें तो दिवाली दिवाली नहीं लगती है। तो इस बार भी सब लोगों ने जम के दिवाली का सेलिब्रेशन किया, स्वागत किया है, क्योंकि डिफिकल्ट टाइम था पूरी दुनिया में, पर हम लोग नहीं हारेंगे। हमारा जो जज्बा है फेस्टिवल्स मनाने का वो वैसा ही है, बट प्रिकॉशंस के साथ। तो हम भी वैसा ही कर रहे हैं प्रिकॉशंस के साथ। हमने भी दिवाली की शुरुआत कर दी है, आज दिवाली है और अभी बज रहे हैं रात के अराउंड 8 o'clock। पूजा अब भी जस्ट मैं करके आई हूँ, सब जगह दिए भी कर दिए हैं फैमिली के साथ। इस बार डिजिटल दिवाली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, अहमदाबाद नहीं गए। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन लोगों ने लास्ट ईयर के व्लॉग्स तो देखे ही होंगे और आपको पता भी होगा कि दिवाली में कितना एंजॉय किया है हमने अहमदाबाद में। खैर इट्स ओके, इस बार की दिवाली फैमिली के साथ न होते हुए भी हम लोग सब एक साथ है, डिजिटली हम लोग सब मना रहे हैं और घर में तो हम सब है ही, तो वैसे ही हम लोगों ने भी की। और आज की ये जो रौनक है पूरे मुंबई में, मुझे जहां से दिख रहा है सब जगह रोशनी ही रोशनी है, और ये जो माहौल है वो अमेजिंग है, मेस्मराइजिंग है। सो और फर्स्ट टाइम मेरी भी मुंबई में दिवाली है, आज तक मैंने दिवाली कभी भी मुंबई में नहीं मनाई है, तो फर्स्ट टाइम मैं मना रही हूँ। तो अच्छी जा रही है अभी तक, तो पीछे आपको दिखाई दिया होगा पटाखे जल रहे हैं। हम लोग नहीं लाए इस बार पटाखे, हमको मिले भी नहीं और थोड़ा लाने का मूड भी नहीं था। ऐसा हुआ कि नहीं इस बार छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रिकॉशंस लेना है, ज्यादा धुआं नहीं करना है, हेल्थ सबसे पहले अच्छी रखनी है सबको। तो आप लोग बताइए आप लोगों की कैसी जा रही है दिवाली। हम लोग भी अभी घर पे ही है, कुछ और ज्यादा प्लान नहीं है अभी। फैमिली के साथ कजिन्स के साथ सब बातें करेंगे, ऑनलाइन वीडियो चैट करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। और घर में तो हम तैयार होके घूम ही सकते हैं, जैसे कि मैं घूम रही हूँ। और आज का जो मेरा आउटफिट है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, देख लीजिए। तो ये है मेरा आज का आउटफिट, मेरा लुक, दिवाली का लुक। और दिवाली का लुक अगर ऐसा ना हो तो फिर कैसा होगा? जगमग वाला, थोड़ा सा ऐसा मन को ऐसा लगे कि नहीं दिवाली है। डल कपड़े वैसे भी मुझे बहुत ही कम पसंद है, तो मैं हमेशा ही ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़े ब्राइट कलर्स लूँ, थोड़ा सा गोल्डन कॉम्बिनेशन आ जाए उसमें तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो वैसा ही मैंने किया है आज। ये सारी चीजें जो है वो सब मैंने अमेजोन से मंगवाई है। ये वाली जो इयररिंग है वो भी मैंने अमेजोन से मंगवाई है।
तो इस बार का मेरा अमेजोन का बहुत सारा शॉपिंग है, ये सारी चीजों के भी मैं लिंक शेयर करूंगी जो मैंने ऑर्डर किया है। दूसरी भी बहुत सारी इयररिंग्स मैंने ऑर्डर की थी तो वो भी अमेजोन से है। आज मेरी तरफ से आप सबको दिवाली की बधाई देते हुए मैं आप सबका मुंह मीठा करना चाहती हूँ, मैं भी कर रही हूँ। मेरी तरफ से आप सबको ये काजू कतली, हैप्पी दिवाली टू ऑल। चलिए देखते हैं कि आर्यन क्या कर रहा है अभी। अरे हैप्पी दिवाली। ही इज वॉचिंग हिज फेवरेट क्रिकेट, 24 घंटे क्रिकेट देखता है आजकल। और पीछे मैं आपको दिखाऊं, ये है अभी मुंबई का हाल, पटाखे जल रहे हैं जोरों शोर से। चलिए अपने बाहर जाके देखते हैं। कैसी लगी रंगों? बहुत ही ज्यादा शोर शराबा है बाहर, बट अगर ऐसा ना हो माहौल तो दिवाली दिवाली नहीं लगती है। मुझे तो ऐसी ही दिवाली पसंद है। थोड़े बहुत पटाखे जला भी लेंगे, पॉल्यूशन हो भी जाएगा, पर ये वैसे भी पॉल्यूशन होता है, तो अगर दिवाली की वजह से हम वो सारी चीजें भूल जाए वो मैं नहीं मानती। जो चीज हमने एंजॉय की है वो डेफिनेटली मैं मेरे बेटे को देना चाहूंगी कि वो भी ये सारी चीजें लाइफ में एंजॉय करे। अगर ये सब चीजें हम मिटा देंगे तो फिर लाइफ में कुछ भी नहीं रहेगा। अभी हम देखते हैं कि प्रसाद क्या कर रहा है। आज दिवाली है तो मैं चाहती हूँ कि सारे मेंबर्स से आप लोग मिल लो, तो प्रसाद इधर है। हैप्पी दिवाली, ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। चलिए राजमा चावल खाने के लिए। हाँ, अभी डिनर में बना है राजमा चावल और साथ में है काजू कतली। और ये आई है अहमदाबाद से स्पेशली हमारे लिए, मेरी सास ने कुरियर की है। ये सारी चीजें अगर ना मंगवाए तो फिर मजा क्या कहाँ आता है, तो उन्होंने भेज दिया है कुरियर और हम लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं। घर पे ही है बट फिर भी दिवाली का माहौल है।
तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बोला था कि मैंने बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए हैं खास करके किचन में, तो ये वही सारे हैं। अभी ये सारे कैसे यूज होते हैं, खास करके इंस्टेंट पॉट और फूड प्रोसेसर, वो दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा अहमियत रखती है हम लेडीज के किचन में। तो वो दो चीजें जब से आई है मेरी लाइफ बन गई है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि हम सब अभी मेड के बगैर रह रहे हैं, काम का लोड बढ़ गया है सब पे। और मेड अगर आती भी है तो भी क्यों ना ऐसी सब चीजें अपने घर में हो जिससे हमारे काम आसान हो जाए, तो वही मैं भी ट्राई करती हूँ। और मैंने इसीलिए ये सारी चीजें ऑर्डर की थी और जब से आई है मैं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मैंने यूज कर लिया है, उसके बाद ही मैं आप लोगों को रिव्यू शेयर करूंगी, बट वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो ये सिर्फ एक झलक थी कि क्या क्या चीजें मैंने किचन में ली है, इससे भी बहुत सारी चीजें ली है। तो जैसे जैसे हम आगे के अभी किचन में मिलेंगे, किचन के ब्लॉग्स में मिलेंगे, तब मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि क्या क्या चीजें ली थी और वो कैसे मैं यूज करती हूँ और उससे मुझे कितनी आसानी होती है। तो ये सिर्फ आपको एक झलक था मेरे किचन का, नया मॉडिफाई किचन का। आज न्यू ईयर है, पड़वा है, तो आप सबको मेरी तरफ से साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर, नूतन वर्ष अभिनंदन इन गुजराती, मेरे जो भी गुजराती व्यूअर्स हैं उन सबको। और आशा करते हैं कि हमारा ये जो नया साल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा जाए, खास करके हेल्थ में, क्योंकि हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, बाकी सारी चीजों में हम कर सकते हैं। तो हेल्थ सबकी बनी रहे, बस वही आशा के साथ हम हमारा ये नया साल शुरू करेंगे। और उसी के साथ मैं मेरा ये वाला व्लॉग भी इधर खत्म कर रही हूँ। अभी पटाखे बंद हो गए हैं तो जल्दी से मैं आप लोगों को बाय बोल देती हूँ। और आप लोगों को पता ही है क्या करना है, व्लॉग को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।